हेलो फ्रेंड्स, दिस टॉपिक इज ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर। रिसेंटली क्या हुआ है कि इसको जीआई टैग मिला है, सो वी विल सी कि क्या होता है ये ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर। मोटा मोटा आपसे यूपीएससी में पूछेंगे कि ब्लैक राइस कहाँ मिलता है एंड यू हैव टू टेक कि मणिपुर में मिलता है। प्रीलिम में पूछेंगे, मेंस में इससे कोई वास्ता नहीं है। मेंस में आपको सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की कोई स्पेशलिटी लिखना हो आपको कि नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट कैसे करना है, तो आप इसका मेंशन कर सकते हो कि लाइक वी कैन प्रमोट द ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर। ओके, वी विल सी फ्यू पॉइंट्स अबाउट इट। फर्स्ट इज कि सेंटेड, मतलब इसमें से अच्छी खासी खुशबू आती है। ओके, और वहाँ पर ये चखाओ के नाम से फेमस है, मतलब लोग वहाँ पर इसको खाते नहीं है, सिर्फ चखते हैं। एंड दे से कि अब चखाओ यार, चखाओ यार। ओके, तो इसको लोग चखाओ के नाम से जाना जाता है। ना फिर है कि इसमें से स्पेशल एरोमा आती है, मतलब अच्छी खासी खुशबू आती है, और इसका मेडिसिनल यूज़ भी होता है। ओके, एंड इट इज़ हाई इन एंटी ऑक्सीडेंट्स। यू नो ऑक्सीडेंट्स, दे आर हार्मफुल फॉर बॉडी, दे कॉज एजिंग एंड इट इज़ फुल इन एंटी ऑक्सीडेंट्स, तो मतलब कि ये एजिंग को अवॉइड करने में हेल्प करता है। बी दैट रीजन कि मणिपुर के लोग इतने यंग दिखते हैं। ओके, और जो वहाँ के कम्युनिटी फीस्ट, जैसे शादी होते हैं, ओके, ब्याह होते हैं और पार्टीज होती है, वहाँ पर उसकी इसकी खीर बनती है, स्पेशल ब्लैक राइस की खीर। दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर। ओके,